डिस्क्लेमर, शिवचंगा मलिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सारे फिजलाबाज भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन नया एक पेड मार्केट हमारे यहाँ पे ओपन हुआ है अंकुरहाटी में। तो अंकुरहाटी में आप लोग आओगे किस तरीके से और यहाँ पे कौन कौन सा मछली, कौन कौन सा एनिमल्स आप लोगों को खरीदने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। मगर उससे पहले आप सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और यहाँ पे दोस्तों हमारे जान पहचान के बहुत सारे आदमियों से मुलाकात हुआ, तो किस किस को मैं पहचानता हूँ वो सब कुछ आगे दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे देखो दोस्तों पक्षी कितना सारा सेल हो रहा है, तो बार्स में कौन कौन सा यहाँ पे स्टॉक है वो सब दिखाऊंगा। मछली का तो भर भर के यहाँ पे स्टॉक है और बार्स का एक्सेसरीज, बार्स को जहाँ पे पानी दिया जाता है वो, पैरों में लगाने वाला चीज़ वो सब है। एंड डॉग्स का कुछ वैरायटी यहाँ पे सेल हो रहा था और एक डॉग का प्राइस 12,000 रुपये बोल रहा है ये सब। तो आप लोगों को क्या लगता है भाई, 12,000-14,000 रुपये इसका प्राइस है एक्चुअल में या फिर उससे कम है या फिर उससे ज़्यादा है, आप लोग मेरे को बताना। बाकी दोस्तों मछली का तो प्राइस आप लोगों को ऑन वीडियो बता दूंगा। और यहाँ पर बहुत सारा पिजियन भी सेल हो रहा था, मतलब जो कबूतर है वो भी बहुत सारा वैरायटी का सेल हो रहा था। प्लांट्स भी यहाँ पे सेल हो रहा है दोस्तों, जो पेड़ पौधा होता है, मतलब गणेश स्ट्रीट का पूरा एक मिनिएचर फॉर्म यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। गणेश स्ट्रीट में जैसे कि सब कुछ आप लोगों को मिलता है, यहाँ पे भी सब कुछ मिलेगा। मगर हाँ, गणेश स्ट्रीट जैसा उतना बड़ा मार्केट नहीं है, ये अभी आज ही नया खुला है, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी लोग आना स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे यहाँ का भी मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। अभी यहाँ पे देखो एक एक करके आप लोगों को दिखाता जा रहा हूँ ना, ये जो ओनर है जहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ ये ट्यूबलेक्स फार्म, यहाँ का दादा भी मेरे को पहचानता है, तो हर एक बंदा मैक्सिमम मेरे को पहचानता है। तो एक एक करके सब दिखाने वाला हूँ किस किस से आज मुलाकात हुआ। आज मेरा दिन बहुत ही बढ़िया था, बहुत सारे लोगों ने मेरे को पहचान किया। ये देखो गप्पी फिश, गप्पी फिश भी यहाँ पे सेल हो रहा है बहुत सारे वैरायटी का, और बेटा फिश भी सेल हो रहा है। तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ से बेटा फिश खरीदोगे तो बेटा फिश अच्छा आएगा या फिर बुरा, क्या वो बेटा फिश आगे जाके बीट करेगा, वो सब कुछ एक एक करके आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ का गप्पी फिश का क्वालिटी देखो, तो क्वालिटी भाई थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे होलसेल रिटेल सब कुछ होता है, तो क्वालिटी यहाँ पे आप लोगों को टॉप नॉच नहीं मिलेगा। मगर हाँ, कुछ कुछ आदमी है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी सेल करता है। ये देखो जॉय नारायण कल्याणी दादा, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे लोगों ने इनका फार्म विजिटिंग का वीडियो बनाया है। तो चलो दोस्तों एक एक करके सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहो। और हाँ भाई, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से एक लाइक कर देना, 100 लाइक का ही टारगेट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये जो नया मार्केट ओपन हुआ है यहाँ का डेली वीडियो मैं लाऊँगा, हर फ्राइडे को वीडियो आएगा। तो आप लोगों को डेली का डेली, मतलब फ्राइडे आएगा तो डेली का डेली समझ लो, यहाँ का डेली का मतलब है फ्राइडे, एवरी फ्राइडे यहाँ का वीडियो आएगा। और एवरी संडे गणेश स्ट्रीट का वीडियो लाने का मैं कोशिश करूँगा, गणेश स्ट्रीट बहुत दूर है तो जाना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ का वीडियो तो आप लोगों को एवरी फ्राइडे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, ये जो गेट है ये आज ही बनाया गया है, नया नया यहाँ पे सब कुछ मतलब बनाया गया है, तो गेट भी यहाँ पे नया बनाया गया है आज के लिए स्पेशली। तो फिलहाल मैं धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ, फिलहाल व्यू के थोड़ा सा देख लो कितना भीड़ है। एक्चुअल में आज 26 जनवरी है तो भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और यहाँ का सामने एक कपड़ा जो है वो बेचने वाला बहुत बड़ा एक हाट है अंकुरहाट में, आप लोग जानते होंगे जो लोग वेस्ट बंगाल से हो, अंकुरहाट में बहुत बड़ा एक क्लॉथ का मार्केट है, तो हर फ्राइडे यहाँ पे क्लॉथ का मार्केट भी बैठता है। और ये देखो ऑक्सीजन सिलेंडर का भी यहाँ पे बंदोबस्त है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मछली खरीदोगे तो ऑक्सीजन ये लोग करके देगा। तो जो मैं बोल रहा था, अंकुरहाट जो है वो बहुत बड़ा एक कपड़ा खरीदने का मार्केट है, तो वो भी फ्राइडे को ही बैठता है। और ये जो पेट मार्केट है अंकुरहाटी में, ये भी फ्राइडे को ही बैठता है, तो दोनों जगह से बहुत ज़्यादा भीड़ आता है। और ये दादा को तो आप लोग भाई पहचान ही गए हो, तो ये दादा भी यहाँ पे मौली गप्पी ये सब लेके बैठा है। यहाँ पे बहुत सारा मौली फिश मिल जाएगा, मौली फिश जो है वो आप लोगों को 12 रुपीज़ करके एक एक पैकेट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 12 रुपीज़, 15 रुपीज़ करके एक एक पैकेट में दो दो मछली है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे और भी बहुत सारा स्टॉक्स है, बहुत सारे यहाँ पे गप्पीज़ भी है, तो गप्पीज़ का प्राइस की बात की जाए यहाँ पे 12 रुपये करके एक एक गप्पी है। ये जो मेल गप्पी जो सब देख रहे हो, ये सब मेल गप्पी एक पीस करके 12 रुपये है, अगर आप लोग डजन लोगे तो 100 रुपये करके डजन आएगा। और यहाँ पे जो ट्यूबफ्लेक्स हम देख रहे हो, वहाँ पे जो कटोरी रखा हुआ है वो एक कटोरी लोगे
तो आप लोगों को 10 रुपये करके देना पड़ेगा। ये जॉइनर है दादा, वहाँ पे सेल कर रहा था। बाकी यहाँ पे ड्राई आइटम बहुत सारे यहाँ पे सेल हो रहा है। सामने ही जो ऑप्टिमम का कचरा देख रहे हो, वो कचरे का प्राइस है 120 रुपये। मैं कचरा क्यों बोल रहा हूँ, जो लोग मेरा डेली वीडियो देखते हो उन लोगों को पता होगा मैं पैलेट फूड के पूरा खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ, क्योंकि उसमें लकड़ी का बुरा दा यूज़ होता है, ठीक है। पैलेट फूड प्लीज़ मत खिलाओ। ये जो दादा यहाँ पे सेल कर रहा है, वो दादा सेल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या खरीदोगे। महंगा चीज़ खरीदो, वो दादा के पास ऑप्टिमम को छोड़ के और भी महंगा खाना है, जिसमें ड्राई ट्यूफ्लेक्स वाम भी है। तो ड्राई ट्यूफ्लेक्स वाम खिलाओ, ऑप्टिमम भाई गोली मारो, ठीक है। वो सब कचरा है। बाकी यहाँ पे जो गोल्ड फिश देख रहे हो, ये सब 90 रुपये करके है। बड़ा वाला जो सब देख रहे हो वो 90 रुपये करके है। छोटा वाला जो ब्लैक मोड देख रहे हो, वो सब ब्लैक मोड आप लोगों को 25 रुपीज़ करके मिल जाएगा। यहाँ पे जो गोल्ड फिश देख रहे हो, ये सब 12 रुपये करके है। बाकी यहाँ पे टायो का कचरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जो मिथनिल ब्लू है भाई, छोटा वाला डिब्बे में, वो भाई बिल्कुल मत यूज़ करना, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे जो मैं वीडियो बनाने के लिए गया था, वहाँ पे सब लोग मेरे को पहचानता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि सेला लोग वीडियो देख रहा है, तो कोई बुरा मत मानना कि आप लोगों का प्रोडक्ट को मैं ख़राब बोल रहा हूँ। मेरा हमेशा यही सीन रहता है कि मैं अपना जो व्यूअर्स है उन लोगों को सही चीज़ बताऊँ, ठीक है। तो जो छोटा वाला मिथनिल ब्लू है 10 रुपये वाला दिखाया, वो प्लीज़ यूज़ मत करना। आप लोग 150 रुपये 250 रुपये दे के रिडॉल का या फिर एक्वा केयर का ये सब महंगा वाला मिथनिल ब्लू यूज़ करो, आप लोगों को उसमें अच्छा रहेगा, ठीक है। API का यूज़ करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो महंगा चीज़ यूज़ करो, 10-20 रुपये का चक्कर में मत जाओ। और यहाँ पे जो बेटा फिश देख रहे हो, ये सब 90 रुपीज़ करके था। यहाँ पे कुछ पैरोट भी है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ प्रिंटेड पैरोट है, प्रिंटेड पैरोट का ये जो प्राइस है 26 रुपये करके एक पीस दे रहा था। पूरा पैकेट लोगे तो और भी कम हो जाएगा। ये जो आप लोग कार्प देख रहे हो, ये कोई कार्प नहीं है दोस्तों, ये हमारा लोकल वाला जो कार्प होता है वो है, वो 30 रुपीज़ में पूरा पैकेट है। ये वाला जो पैकेट है, ये 50 रुपये का पैकेट है। पहले वाला जो दिखाया वो 30 रुपये का है, ये वाला जो दिखाया वो 30 रुपीज़ का है। वो क्राउन टेल वाला बेटा आप लोगों को 50 रुपये में मिल जाएगा। थोड़ा सा पीछे पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पे गप्पी है, यहाँ पे एक एक गप्पी आप लोगों को 12 रुपये करके मिल रहा था। ये देखो यहाँ पे नीमो कैंडी बेटा मिल रहा है 120 रुपये में। तो 120 रुपये में नीमो कैंडी बेटा, भाई आप लोग सोचो क्या सीन है यहाँ पर। तो धीरे धीरे आगे एक एक करके आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। यहाँ पर एक और जो अंकल है वो बैठा हुआ है। तो हाँ, यहाँ का जो पहले बात, सेलर लोगों का बिहेवियर बहुत ही बढ़िया है। मैं गाली स्ट्रीट में भी ब्लॉक किया हूँ, वहाँ का सेलर वीडियो बनाने नहीं देता है, उल्टा सीधा गाली वाले मतलब बोल के भगा देता है, ठीक है। यहाँ का सेलर देखो भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो पैकेट को आगे दे रहा है भाई वीडियो करने के लिए। तो भाई सेलर का बिहेवियर बहुत ही बढ़िया था। फिलहाल जो सब बेटा फिश आप लोगों ने देखा, वो 8 रुपये 12 रुपये करके पीस था। और यहाँ पे जो प्लैको देख रहे हो, ये सब प्लैको भी आप लोगों को 15 रुपये करके एक एक पीस का मिल जाएगा। 10 पीस लोगे तो 120 रुपये करके आएगा। ये जो गप्पी देख रहे हो, ये सब गप्पी आप लोगों को एक डज़न 90 रुपीज़ में आएगा, मतलब 90 रुपये का एक डज़न। और अगर एक दो पीस लोगे तो 12 रुपये करके आएगा। ये जो बगल में मौली फिश पड़ा हुआ है, वो 4 रुपये करके पीस है। जी हाँ दोस्तों, 4 रुपये में मौली फिश। यहाँ पे भी बहुत सारा मछली पड़ा हुआ है। बगल में ये जो मछली है वो छोड़ा हुआ है, तो वो दिखा देता हूँ। सी यहाँ पर जो शॉर्ट टेल है, इतना बड़ा बड़ा शॉर्ट टेल का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। चाहे आप मेल लो चाहे आप फीमेल लो, इतना बड़ा बड़ा साइज़ का शॉर्ट टेल 10 रुपये में। तो भाई मैं सोच रहा हूँ, ये जो अंकल बैठा हुआ है, क्या प्रॉफिट हो रहा है उनको 10 रुपये में इतना बड़ा शॉर्ट टेल। मिनिमम नहीं भी तो 6 से 8 महीने का उम्र होगा, 6-8 महीना बढ़ा करके 10 रुपये में सेल करके क्या ही फ़ायदा हो रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो भी प्राइस मैंने पूछा था, मेरे को जो जो उन्होंने बोला है, वो सब आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखते रहो। और यहाँ का जो सेलर है भाई, जीतदा, आप लोग बहुत सारे लोग जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उन लोगों को पता होगा, मेरे को जो चिकलेट का फार्म का लोकेशन है इन्होंने ही दिया था जब मैं चिकलेट फिश काटता था। तो जीतदा को भाई बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो में ही बोल देता हूँ। और हाँ, जीतदा भी होलसेल में मछली सेल करता है, बेटा फिश सेल नहीं करता है। ये जो मौली, गप्पी, एंजल, जो भी होलसेल का दुकानदारों का रिक्वायरमेंट है वो सब सेल करता है। तो जीतदा के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा, जीतदा के पास कौन कौन सा स्टॉक रहता है। एक्चुअली वो घर में स्टॉक करता नहीं है, वो सब सेलर से मछली उठा के आप लोगों को देगा। तो जिसको भी जीतदा से मुलाकात करना है, मछली लेना है, नंबर चाहिए, तो थोड़ा सा वेट करो, जीतदा के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को वहां पे पूरा बता दूंगा सब कुछ। तो हमारा सब जान पहचान वाले यहां पे अब आदमी है, जो भी मार्केट देख रहे हो, टोटल यहां पे 60 जन के आसपास आज के दिन बैठा था।
धीरे धीरे आगे शायद से 80-100 ऐसा सेलर बैठ जाएगा। तो जो भी सेलर बैठना चाहते हो उन लोगों को बोल देता हूँ, पहला वाला जो मंथ है आप लोगों को फ्री है, आप लोग यहाँ पे मछली लेके आ जाओ, सेल करो, बैठ जाओ, जो जहाँ पे भी खाली जगह है। यहाँ पे जो मार्जिन है एक मतलब लाइन खींचा हुआ है कहाँ कहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, तो वहाँ पे आके बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड जो मंथ स्टार्ट होगा फरवरी का, वहाँ से आप लोगों को पर मंथ 100 रुपीज़ करके देना है, ठीक है, 100 रुपीज़ करके सिर्फ और सिर्फ एक दिन बैठने के लिए देना है। पर मंथ आप लोगों को 400 रुपये देना पड़ेगा और कुछ नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को टिफ़िन, यहाँ से आप लोगों को पानी का बोतल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। पर डे फ्राइडे को आप लोग जितना मछली वगैरह लेके सेल करो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पर डे के लिए आप लोगों को 100 रुपीज़ देना है। तो जो भी सेलर लोग बैठना चाहते हो यहाँ पे आ जाओ। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मेरे पास नहीं है यहाँ का जो क्या बोलते हैं क्लब का, यहाँ पे क्लब में आके आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो। और यहाँ का दादा खाता आप लोग जानते हो सब कोई, देखो भाई जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ हर कोई मेरे को पहचानता है। मतलब यूट्यूब करने का यही फ़ायदा है कि मैक्सिमम ये मछली के लाइन में जो सब बंदा है सब लोग मेरे को पहचानता है, और मैं भी मैक्सिमम लोगों को पहचानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीडियो फार्म विजिटिंग का वीडियो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाया है, तो मैंने भी देखा है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे जान पहचान वाले हैं। तो मछली का क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। ये देखो ये जो रेनबो देख रहे हो दोस्तों, ये सब रेनबो कितने में पता है? सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में। देख लो भाई दुकानदारों, जो सब दिल्ली वाले दुकानदार है वो सब लोग तो भाई 50-60 रुपये में आई थिंक सेल करता है, यहाँ पे 20 रुपये में मिल रहा है। ये जो गप्पी देख रहे हो ये सब गप्पी 8 रुपये करके पीस है। गप्पी देखो भाई ये मिक्स गप्पी है इंपोर्टेड गप्पी, इसके साथ ये सब कंपेयर मत करना कि 8 रुपये का गप्पी इतना अच्छा क्यों है। मगर हाँ 8 रुपये में आप लोगों का प्लांटेड टैंक डेकोरेशन के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सुबंकी देख रहे हो छोटा वाला, ये सब 6 रुपये करके पीस है। 6 रुपये में भाई क्या फ़ायदा हो रहा है ये दादा का आई डोंट नो, मगर हाँ प्राइस यहाँ पे बहुत कम है। मछली का क्वालिटी ऐसा नहीं है कि ख़राब है, हर एक मछली अच्छा है, बट इतना कम प्राइस में सेल करके भाई क्या फ़ायदा हो रहा है आई डोंट नो। मतलब जब भी मैं प्राइस पूछ रहा था ना, ऐसा नहीं है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं कम प्राइस में, मेरे सामने उसी प्राइस में सेल भी कर रहा है। तो भाई मेरे को नहीं पता क्या सीन है यहाँ पर, आगे आपको दिखाता जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बार्ड्स का मार्केट है, तो यहाँ पे ये जो लॉक का पायरा है, मतलब जो पीछे मोर जैसा जो फिन था ना उसको लॉक का बोला जाता है, लॉक का पिजियन, तो उसका जो पीआर का प्राइस है वो 1.5K, मतलब 1500 रुपये का एक एक पीआर है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। बहुत सारे दिल्ली में बॉम्बे में जो सब लोग रहते हैं उन लोगों को पीआर का मतलब पता नहीं होता है, एक मेल और एक फीमेल का मतलब होता है एक पीआर। तुम्हारे वहाँ पे दुकानदार लोग 2 मेल को 1 पीआर बना के सेल कर देता है, 2 फीमेल को 1 पीआर बना के सेल कर देता है। तो भाई तुम लोगों में कॉन्फ्यूज़न कुछ ज़्यादा ही है। मछली हो या फिर पक्षी हो या फिर खरगोश या फिर कछुआ, कुछ भी भाई 2 मतलब 1 पीआर, 2 चीज़ अगर आपको दिया जाएगा वो 1 पीआर नहीं होगा, 2 पीआर 2 मतलब अगर एक मेल और एक फीमेल होगा तो ही वो 1 पीआर होगा, ठीक है। मैं ऑन वीडियो आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं जब बोलता हूँ ना मेरे पास एक बेटा फिश का पीआर 300 रुपये है, एक बेटा फिश का पीआर 500 रुपये है, तो उसका मतलब होता है एक मेल मिलेगा एक फीमेल मिलेगा, कभी भी 2 मेल नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ दिन पहले एक बंदे ने मेरे को कॉन्फ्यूज़ कर दिया था, पेमेंट करके रिफ़ंड मांग रहा है बंदा, बोल रहा है कि मेरे को 2 मेल चाहिए, 2 मेल का 1 पीआर चाहिए। मेरा भाई दिमाग घूम गया भाई, 2 मेल का 1 पीआर भाई, मतलब उसको एक लड़के से शादी करना है, लड़का होके लड़के से शादी करेगा बंदा, ऐसा सोचे। खैर छोड़ो भाई वो सब हंसी मजाक की बात साइड में, आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बता दिया, जब भी ऑर्डर करोगे मेरे से मछली वगैरह समझ जाना कि 1 पीआर का मतलब 1 मेल और 1 फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारा पिजियंस है। तो कबूतर के बारे में भाई मेरे को अच्छे से उतनी नॉलेज नहीं है, बट मेरे को पालना है कबूतर, जब मेरा घर का छत बन जाएगा उसके बाद मैं कबूतर पालने वाला हूँ, ठीक है। तो कबूतर जो लोग अच्छा वासा पालते हो मेरे को थोड़ा सा उस टाइम पे नॉलेज देना, क्योंकि नॉलेज से ही पूरा दुनिया चलता है, तो आप लोगों का नॉलेज मेरे को थोड़ा सा चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा प्लांट्स वगैरह बेचा जा रहा था, और आगे जाके मेरे को थोड़ा सा डॉग्स वगैरह दिख गया, और उससे पहले ये देखो डॉग के गले में जो पट्टी वगैरह लगाया जाता है वो सेल हो रहा था। और ये देखो, देख रहे हो ना सेलर्स का कितना अच्छा बिहेवियर है। मैं फ़ोन लेके उनके सामने सीधा गया, वो मेरे को बताने लग गया ये साइबेरियन हस्की है, इसका टेल अच्छा है, कोटिंग जो है वो लॉन्ग कोट वाला है, मतलब सब बता रहा था कि कौन सा क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। तो
मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये सब सेलर्स का बिहेवियर। कोलकाता में गली स्ट्रीट में जाओगे तो वहाँ का सेलर्स का कुछ अलग ही मतलब सेलिब्रिटी लाइक एटीट्यूड होता है। मगर हाँ, मेरे को पता है गली स्ट्रीट वाले जो होता है वहाँ पे भीड़ इससे 3-4 गुना ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा इरिटेशन होता है कोई अगर वीडियो बनाने आता है तो। और वहाँ पे ऑलरेडी सब कोई प्रोमोट हो चुका है तो उन लोगों को प्रमोशन के लिए वीडियो बनाना नहीं होता है। तो हाँ, उन लोगों के नज़रिए से देखा जाए तो सही भी है, मगर थोड़ा सा तो भाई अच्छे से बिहेवियर किया करो जो लोग वीडियो बनाने के लिए आता है, क्योंकि उन लोगों का वीडियो से ही तो आप लोग इतना आगे तक गए हो। उन लोगों को ये अगर बाद में लात मारोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। फिलहाल ये जो देख रहे हो ये टॉय पॉम नाम का एक वैरायटी है डॉग का, इसका प्राइस 12,000 रुपये बोल रहा है। और यहाँ पे फ़ोन में ये जो सेलर है, सेलर अंकल, वो बोल रहा था कि इसका अगर वाइट कलर आएगा तो 1-1.5 लाख रुपए तक प्राइस जाता है। तो जो सब लोग डॉग का जानकार हो मेरे को एक बार कमेंट करना कि एक्चुअल में क्या ये सच में ये टॉय पॉम जो डॉग का वैरायटी है अगर वाइट कलर में आएगा तो क्या इसे ये सच में 1-1.5 लाख रुपए का जाता है। तो ज़रूर से भाई कमेंट करके मेरे को बताना। एंड जो सब लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन में यही डॉग का नाम लिख दो, टॉय पॉम लिख के 3 रेड हार्ट स्पैम कर दो ताकि मेरे को पता चले आप लोग वीडियो को एंड तक देख रहे थे। हमेशा मैं कुछ ना कुछ लिखने के लिए बोलता हूँ और आप लोग लिख भी देते हो तो मेरे को भी बहुत मज़ा आता है। जो सब लोग नया व्यूअर्स हैं वो लोग कॉन्फ्यूज हो जाता है भाई क्या लिख रहा है ये सब, तो लिख देना भाई ज़रूर से। एंड ये जो वीडियो क्लिप देख रहे हो ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो ये जो फीमेल्स है ये फीमेल्स मेरा नया शिपमेंट पे आया हुआ है, नया जो शिपमेंट आया है सिर्फ और सिर्फ डबल टेल का फीमेल, डबल टेल का मेल, डम्बो ईयर प्लकेट का मेल, डम्बो ईयर प्लकेट का फीमेल दोस्तों आया है इंडोनेशिया से। तो क्या क्वालिटी है वो सब कुछ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो अगर देखना है तो सब्सक्राइब करके रखो, जो सब लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। नया जो सब व्यूअर्स हैं उन लोगों को मैं बोल देता हूँ, मैं फार्म विजिटिंग का व्लॉग, ये सब मार्केट विजिटिंग का व्लॉग्स वो सब तो डालता ही हूँ, साथ ही मैं मछलियों के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता हूँ। एक्चुअली जो सब मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उन लोगों को ये सब अच्छे से पता है, मैं ये नया जो सब सब्सक्राइबर्स आ चुके हो मेरे चैनल पे उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। एंड मैं मछली भी सेल करता हूँ, ये सब जो देख रहे हो ये सब सेलिंग के लिए अवेलेबल है। ये जो फीमेल देख रहे हो ये सब 120 रुपीज़ करके पीस है, अगर पीआर लोगे तो 300 रुपये आएगा। अगेन मैं वीडियो में पहले ही बोल दिया हूँ, एक पीआर मतलब एक मेल और एक फीमेल, एक सिंगल मेल डबल टेल लोगे तो 200 रुपये, डबल टेल मेल का प्राइस 200 रुपये, डबल टेल फीमेल का प्राइस 120 रुपये। तो पीआर लोगे आप लोगों को 300 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है 320 रुपये एक्चुअल पीआर का प्राइस हो रहा है, मगर पीआर लोगे तो 20 रुपये का मैं आप लोगों को कम कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही था भाई लोग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। क्यों भाई अभी तक वीडियो को देख रहे हो ना तुम, एंड स्क्रीन को देख रहे हो तो भाई कोई भी वीडियो के क्लिक करके देखो।